देखिए, जब भी हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो वो हमें एनर्जी देता है। दरअसल कोई भी मीठी चीज जिसे हम खाते हैं बायोकेमिस्ट्री की भाषा में कार्बोहाइड्रेट कही जाती है और कार्बोहाइड्रेट को केमिकली सैकेराइड्स भी कहते हैं। जब भी हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो वो पचकर कार्बोहाइड्रेट के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज में टूटकर हमारे आंतों से अब्सॉर्ब होकर हमारे ब्लड वेसल्स में चली जाती है। हमारी इंटेस्टाइन में ग्लूकोज और गैलेक्टोज सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज सिंपोर्टर के थ्रू एंटेरोसाइट में जाती है और फ्रक्टोज ग्लूट 5 नाम के ट्रांसपोर्टर के थ्रू एंटेरोसाइट में आता है। और ये तीनों ही ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज ग्लूट 2 नाम के ट्रांसपोर्टर से होते हुए हमारे ब्लड वेसल में मिल जाते हैं। आपको बता दें कि फ्रक्टोज हमें फलों से मिलता है, गैलेक्टोज हमें दूध से मिलता है और ग्लूकोज हमें चीनी, चावल, गेहूं, सब्जियां और बाकी के हाइड्रोकार्बन वाले चीजों से मिल जाता है। ब्लड में मिलने के बाद ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट के सिंपलेस्ट फॉर्म सीधे हेपेटिक वेन से होते हुए हमारे लिवर के अंदर जाते हैं, जहां पर इन तीनों ही कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग फॉर्म का मेटाबॉलिज्म होने लगता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब गैलेक्टोज हमारे लिवर के अंदर जाता है तो उसके साथ क्या होता है। देखिए, जब गैलेक्टोज हमारे लिवर के अंदर ग्लूट 2 के थ्रू आया, ये गैलेक्टोज बहुत सारे एंजाइमेटिक क्रियाओं के द्वारा ग्लूकोज में बदल जाता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट में, जहां पर एक्सेसिव ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर कर लिया जाता है। लेकिन जब इसी गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, तभी दो और प्रोडक्ट इसके मेटाबॉलिज्म से बनते हैं। एक होता है गैलेक्टिटॉल और एक होता है गैलेक्टोनेट। दोनों ही हमारे गट के बैक्टीरिया को फीड करने में मदद करते हैं। पर जब यही गैलेक्टिटॉल हमारे आंखों में इकट्ठा होने लगता है गैलेक्टोज के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी के कारण, तो हमारी आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी होने लगती है और साथ ही साथ इसके मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी से बच्चों में मानसिक विकास का अवरोध, सीजर्स जैसे कई बीमारियां भी डेवलप हो जाती हैं। अब आते हैं कि जब फ्रक्टोज लिवर के अंदर आता है तो उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। देखिए, लिवर के अंदर फ्रक्टोज ग्लूट 2 ट्रांसपोर्टर के थ्रू ही अंदर जाता है और जब ये लिवर के अंदर गया, इसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है। फ्रक्टोज के मेटाबॉलिज्म से एंड प्रोडक्ट के रूप में ट्राइग्लिसराइड्स का निर्माण भी हो जाता है, यानी लिपिड्स का। ग्लूकोज भी बनता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है और एक बहुत बड़ा पार्ट फ्रक्टोज का लैक्टेट भी बन जाता है, यानी लैक्टिक एसिड। शरीर में फ्रक्टोज की कमी या इसके मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी, या कहिए फ्रक्टोज को ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रांसपोर्टर में अगर गड़बड़ी हो जाए तो हमें कई तरीके की बीमारी भी हो सकती है। खासतौर पर हमें नपुंसकता हो सकती है, क्योंकि ये फ्रक्टोज हमारे सेमाइनिकल वेसिकल्स में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अब आते हैं कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। देखिए, ग्लूकोज हमारे लिवर में ग्लूट 2 ट्रांसपोर्टर से ही आता है और जब आता है तो या इसका ग्लाइकोलाइसिस होकर ये एटीपी का निर्माण करता है, एनर्जी का निर्माण, या फिर ये ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लिवर में ही स्टोर हो जाता है। इसके मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी के कारण से डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती है। देखिए, अब्सॉर्प्शन के बाद ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ब्लड में ट्रेवल करते रहते हैं, जिसमें से अधिकतम लिवर में जाकर प्रोसेस हो जाते हैं। तब प्रोसेस होने के बाद ग्लूकोज ब्लड में फ्री ट्रेवल करते रहते हैं और शरीर के विभिन्न टिश्यू में जाते हैं। वहां पर ग्लूकोज सेल में एंटर होकर ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होकर सेल्युलर रेस्पिरेशन में हिस्सा लेता है, जिससे एटीपी का निर्माण होता है। पर कुछ टिश्यू में एक स्पेशल किस्म का ट्रांसपोर्टर होता है जो कभी भी ग्लूकोज को डायरेक्टली टिश्यू में एंटर होने नहीं देता है, यानी सेल में। ऐसी टिश्यू जिसमें ग्लूकोज डायरेक्टली सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, उसके लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है। ऐसे स्पेशल किस्म के टिश्यू हमारे शरीर में मसल्स, एडिपोज टिश्यूज जैसे टिश्यू में होते हैं। इनके ऊपर एक स्पेशल किस्म का इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर पाया जाता है, जिसे ग्लूट 4 कहते हैं। इंसुलिन आता है, इन सभी ग्लूट 4 ट्रांसपोर्टर को खोलता है, तब जाकर इनके अंदर ग्लूकोज एंटर कर पाता है। अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो ये ग्लूकोज ब्लड में ट्रेवल करता रहेगा और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा और मसल्स को कभी भी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। इसी कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। जितना ग्लूकोज शरीर को जरूरत होता है, उतना तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी का बचा हुआ ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू ग्लाइकोजन में बदलकर हमारे लिवर, हमारे मसल्स और हमारे एडिपोज टिश्यू में जाकर स्टोर हो जाता है। मैंने आपको अभी बताया है कि फ्रक्टोज ट्राइग्लिसराइड में भी बदल जाता है, इसीलिए फ्रक्टोज से बने हुए ट्राइग्लिसराइड्स इस फैट सेल में ही जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। और जब शरीर को जरूरत होती है, जब शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तब पैनक्रियाज से निकला हुआ ग्लूकागॉन हार्मोन
इसी ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में बदलकर हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और आपको बता दें कि जब हमारे शरीर में ग्लाइकोजन और ग्लूकोज दोनों की ही कमी हो जाती है तो शरीर प्रोटीन और लिपिड से इसकी पूर्ति करता है। प्रोटीन और लिपिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ये हमें शरीर में एनर्जी प्रोवाइड कराता है। देखिए, इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी दूसरे सोर्स से ग्लूकोज का निर्माण कराकर एनर्जी प्रोवाइड कराने की क्रिया को शरीर में ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। देखिए, मैंने प्रयास किया है कि आपको आसान से आसान भाषा में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म समझा दूं। अगर मैं अपने प्रयास में सफल हो पाया हूं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।